दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मैं कोई सर्किट नहीं दिखा रहा हूँ, खाली एक देखिए ड्रॉआउट दिखा रहा हूँ। आईसी 63 के 43A का बहुत लोगों का डिमांड है कि इस आईसी के बारे में बताइए डिटेल में, और हमने सर्किट में बहुत बार बताया है। आप आईसी का एक लेआउट आपको बता रहे हैं, आईसी का नंबर 63 के 43A है। ये अलग अलग नंबर आगे का रहता है, 63 कॉमन रहता है, आगे का के है ये भी चेंज हो जाता है बहुत से आईसी में। तो आप 6 पिन की जो आईसी आ रही है सिमिलर है, सब में ये आईसी चल रही है 63 के 43A या 36J, ऐसा कुछ अलग अलग नंबर्स आते हैं। तो 63 कॉमन रहता है आगे का, और पावर सप्लाई में जितनी भी आईसी लग रही है सबकी जगह पे चल जाती है एक दूसरे की जगह पे। तो इसका पिन आउट कैसे रहता है वो हम आपको बता देते हैं। इसका एक नंबर जो डॉट वाला भाग रहता है वो ग्राउंड रहता है सबसे पहले, 2 नंबर ऑटो कपलर पर जाता है, ऑटो कपलर के 3 या 4 नंबर जो ऑटो कपलर का सेकेंडरी रहता है, प्राइमरी तो सेकेंडरी में चला जाता है, उल्टा रहता है ऑटो कपलर का, तो उसमें 3 या 4 नंबर पे जुड़ा रहता है 2 नंबर पिन, और 3 नंबर पिन बाइसिंग के लिए यूज़ किया है। यहाँ से 104 100 के रेजिस्टेंस से ग्राउंड रहता है, एडी कपल किया हुआ रहता है। 4 नंबर गेट को जुड़ा, गेट से जुड़ा रहता है। यहाँ पे एक 101 के रेजिस्टेंस के थ्रू, 101 मीन्स 100 ओम्स के रेजिस्टेंस के थ्रू ये गेट पे जाता है, मॉस्फेट के गेट पे जाता है। 5 नंबर पिन इसका सप्लाई रहता है, और फीडबैक है। फीडबैक का मतलब आपको हमने बहुत बार बताया है, जो SLPS ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में से जो एक वाइंडिंग रहती है वहाँ से एक डायोड और एक रेजिस्टेंस लगा करके वहाँ से कंडेंसर ग्राउंड होता है, और वो इसी सप्लाई पे आ जाता है 5 नंबर पे, एक ही पिन पे दोनों कनेक्शन आते हैं। और उसके बाद जो 6 नंबर पिन है इसका, 6 नंबर पिन है यहाँ, ये लास्ट का, ये सेंस के लिए मॉस्फेट के सेंस पिन पर जाता है। तो इस तरह से इस आईसी का ड्रॉ आउट रहता है। और फीडबैक का आपको बार बार बताया है, जो फीडबैक नहीं मिलता है तो ब्लिंकिंग आती है। जब हमारी सप्लाई चालू हो जाती है तो ट्रांसफार्मर में जो सप्लाई जनरेट होती है तो एक डायोड और रेजिस्टेंस के थ्रू कंडेंसर से फिल्टर करके 5 नंबर पे आ जाती है, उसके बाद हमारी सप्लाई स्टेबल आने लगती है। तो ये फीडबैक के लिए 5 नंबर में प्रॉब्लम आता है, 1 नंबर इसका ग्राउंड है, 2 नंबर ऑटो कपलर को जाता है। यहाँ से भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है ऑटो कपलर से तो आपकी ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम आता है। तो 2 नंबर और 5 नंबर से ब्लिंकिंग प्रॉब्लम आपका ज़्यादा करके रिलेटेड है। 5 नंबर के कनेक्शन में, अगर 4 नंबर के कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आता है तो आपको मॉस्फेट टूटने का प्रॉब्लम आता है। ये जो 101 लगा है इसको आप हमेशा चेक करें, 100 ओम्स है यहाँ पे। और सेंस से आप देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस ग्राउंड रहता है 10K वगैरह का, और एक रेजिस्टेंस बीच में 100 लिखा रहता है, लेकिन 10 ओम्स रहता है, उसके थ्रू सेंस पिन पे जाता है। तो ये आईसी का डिटेल है। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने पूछा उसके बारे में, हमने ये डिटेल में बताया है। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम और कुछ बताएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।